तो so, आज कंप्लीट करेंगे चैप्टर बाय सेकेंडरी ग्रोथ ओके सो लेक्चर नंबर फाइव सेकेंडरी ग्रोथ वी आर गोइंग इनटू डिटेल्स आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन अन अकेडमी नीट एंड अन अकेडमी प्लस प्लस पे प्लस पे हमारे सेशंस होंगे 5 पीएम और ऑन यूट्यूब रेगुलरली यहाँ पे इलेवन एम हमारे सारे सेशंस होते हैं राइट दिस इज द टाइम फॉर बॉटनी सेशंस ऑन अन नीट एज वेल एज प्लस uh, आप देखो आपका जहां चार्ट है वहां पे आपको एक वो दिख रहा होगा स्पेशल क्लास का लिंक मिल रहा होगा बेटा दैट इज एन एब्सोल्युटली फ्री क्लास ठीक ये होगी कल सुबह सात बजे सेवन ए एम महेंद्र सर की क्लास शुरू होगी उससे पहले मैं आपको फ्री कर दूंगी ठीक है सो वी विल बी सॉल्विंग एनाटमी आटवी क्वेश्चन मैंने ये क्लास आज रात को क्यों नहीं रखी है आई एव नॉट केप दिस क्लास टूडे एट नाइन थर्टी ए एम पी एम जो हमारा रेगुलर टाइमिंग होता है क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव यू एटलीस्ट वन डे टू रिवाइज एवरी थिंग रिलेटेड टू अनाटमी मैं कल सुबह ये देखना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट द डे सैटरडे संडे वीकेंड आपका आ रहा है दो दिन आपको मिलेंगे टू रिफ्रेश एंड री यू नो रिवाइज एवरी थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन उसके बाद नेक्स्ट वीक से वी विल बी स्टार्टिंग विद मॉरफोलोजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे मैं उसका प्लानर भी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी कल परसों के अंदर एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम मंडे तो उससे पहले एक टेस्ट हो जाए एक अच्छे से रिविजन हो जाए देख लें हम कैसे क्वेश्चन एनाटमी के आते हैं सैटरडे मॉर्निंग दैट इज टो मॉर्निंग एट सेवन ए एम आपको लिंक मैंने दे दिया ऑलरेडी चैट में क्लिक ऑन इट एंड ज्वाइन द सेशन यूज कॉमन लाइफ कोड वाइल एनरोलिंग जो बच्चे नए हैं उनसे कोड पूछा जाएगा कोमल लाइव आपका कोड है बेटा और यहाँ पे सारे लिंक्स मैं कल सुबह भी शेयर कर दूंगी प्लस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी राइट सो प्लस पे आपको लाइव क्लास ये सारी चीजें एक्सेस मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस प्लानिंग में हेल्प हो जाएगी स्टडी मटेरियल गाइडलाइंस टेस्ट एनालिसिस पर्सनलाइज गाइडेंस ये मिलता है आपको आइकॉनिक में तो आइकॉनिक इज लाइक प्लस विद एडेड बेनिफिट्स ठीक है दोनों के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो यू कैन यूज कोमल लाइव कोड यू विल गेट योर टेन परसेंट ऑफ एंड यू कैन ज्वाइन माई क्लास अब क्यों ये काम करना है आपको नेक्स्ट अंदर अंदर, ट्वेंटी अंदर अंदर, मैं पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कराने वाली हूँ ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑक्टोबर कल से आपका पांच बजे सेशन होगा ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी चाहे आप इलेवेंथ में हो चाहे आप ट्वेल्थ में हो चाहे आप ड्रॉपर लिए हो ड्रॉप लिए हुए हो बच्चा प्लांट फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट दस मार्क का यूनिट है और वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा वेन यू जॉइन मी ऑन प्लस तो कोमल लाइव इज योर कोड डोंट इट आई विल सी यू इन क्लास मेधावी में एनरोल कर सकते हो या सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो मेरी आपको प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने बात करी थी कि सेकेंडरी ग्रोथ नाम की जो चीज है ये सिर्फ में आपको है ना कल हमने पढ़ा रूट, डाइकॉट मोनोकोट लीफ सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस इन लीफ एंड मोनोकोट्स, तो बचा कौन डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ इज ग्रोथ

बेसिकली हम स्टेम और रूट का थिकनेस बढ़ा रहे हैं ठीक है यू विल नॉट फाइंड इट इन मोनोकॉट्स लेकिन मैम क्यों? दिमाग में यही सवाल आता है ना वाई नॉट इन मोनोकॉट्स दो चीजें हैं और रीजन कूड भी वाई सुअर्स ठीक है उल्टा पुल्टा हो सकता है रीजन पहला रीजन ये है कि जो आपके ज्यादातर मोनोकॉड्स है उनका लाइफ स्पैन काफी छोटा है है ना वो एनुअल प्लान से कुछ महीनों के लिए आता है कुछ साल एक दो साल के लिए होते हैं ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ स्पैन इज वेरी वेरी लेस तो शायद वो गर्द्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी ठीक है वो मोटा होने की जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरा अलॉट ऑफ देम हैबिट ऑफ ग्रोइंग विद ग्राउंड ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं जैसे ग्रासेस हो गए आपके ज्यादा height नहीं लेते हैं ज्यादा height क्यों नहीं ली क्योंकि ज्यादा जिंदा नहीं है इसलिए जब height ही ज्यादा नहीं ली तो गर्स में increase होने का भी कोई point नहीं है ठीक है या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया गया इसीलिए ये प्लांट्स ऐसे हैं कि डू नॉट ग्रो इन गर्थ इट कुड बी वाइस वर्स केम नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है इसलिए ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं है या ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता समथिंग रिलेटेड टू दैट ठीक है डायकॉट में लेकिन हमने देखा है कि बहुत सालों 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 तक मेजोरिटी प्लांट्स आपके जिंदा रहते हैं और जो ट्रीज हैं प्रॉपर जो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जिंदा है अपने आप उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ आपको दिखेगी कुछ डायकॉट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अगेन सीजनल एग्जिस्टेंस है कुछ महीनों के लिए आते हैं कुछ एक दो साल के लिए आते हैं तो उनमें भी आप देखोगे कि आपको ज्यादा मोटा गर्थ नहीं मिलेगा है ना जैसे गेंदे का फूल

सीन इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोसपॉम्स में मिल जाएगा जिम्नोसपॉम्स ओके एबसेंट इन एबसेंट इन लीव्स एंड मोनोकॉट्स मोनोकोट्स के अंदर आपको कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिल रहा ठीक है बच्चा क्लियर शाबाश अब आती है बात कि ग्रोथ शुरू कहां से करेंगे हम ठीक है ओके वेयर आर वी गोइंग टू गो वेयर आर वी गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रोथ वाला प्रोसेस हमने पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर दैट अगर ये मेरा एपिडर्मिस है इफ दिस इज द एपिडर्मिस ठीक है ये एपिडोमिस हो गया इसके अंदर हाइपोडमिस आएगा कॉर्टेक्स आएगा एंडोडोमिस आएगा और एंडोडोमिस के अंदर वाले रीजन को पूरे को हम क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन क्विकली व्हाट डू वी कॉल द रीजन इनसाइड द एंडोडोमिस स्टील याद आया याद आया

चलिए शाबाश चल सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट की रूट का स्टीलर रीजन बना रही हूं मैं आई एम ड्रॉइंग द डाइकॉ डाइकॉट रूट स्टीलर रीजन दैट मीन्स पेरीसाइकिल से कहानी शुरू करेंगे तो ये जो मैंने आपको दिखाया दिस इज पेरीसाइकिल ठीक है अगर आपको याद हो तो अंदर इसमें एग्जैक्ट कंडीशन में ज़ाइलम लगा हुआ था और रेडियल वैस्कुलर सिस्टम था मतलब ज़ाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे थे दिस इज प्राइमरी जाइलम वन नॉट इज प्राइमरी ठीक है प्राइमरी जाइलम प्राइमरी जाइलम यहाँ है और प्राइमरी फ्लोएम के पैचेज आपको इधर दिखने वाले हैं पिथ इसके अंदर कुछ ज्यादा वेल डेवलप्ड था नहीं है ना दिस इज प्राइमरी फ्लोएम पिथ वाज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड लेकिन आप देखो जाइलम और फ्लोएम का अगर मैं पैच हटा दूं उसके बावजूद मेरे पास कुछ सेल्स बचेंगे ये एरिया बच रहा है बेटा इस एरिया को देखो कैन यू सी दिस एरिया ये येलो वाला एरिया जो मैं मार्क कर रही हूं ये दिख रहा है आपको यहां पे कौन सा टिश्यू होगा

टिशू मेडअप ऑफ पैरन गाय कंजक्टिव टिश्यू कंजंक्शन जैसा जंक्शन जैसी वाली बात हो गई कि ऊपर वाले आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो बैकग्राउंड टिश्यू है पिथ तो है नहीं मेड्यूलरी रेज है नहीं तो पैरन गायमा भर दिया हमने बैकग्राउंड में उस पैरन गायमा को हमने बोला कंजंक्टिव टिश्यू ठीक है कंजक्टिव टिश्यू को अब हम आगे लेके चल रहे हैं अब यहां तक क्लियर हुआ ये हम स्टील में है किसके डायकोट रूट के स्टील में है नाउ लुक एट थिंग्स हैपनिंग अब इसको ना समझने की कोशिश करना ये कहानी है जो आप सुनोगे और हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी यू डोंट हैव टू राइट इट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन पूरा कहानी अभी फिलहाल नोट्स में लिख लेना मैं डिक्टेट भी कर दूंगी लेकिन अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ठीक है लैंग्वेज उसको बस एक कहानी की तरह सुनना मेरी बात अपने आप समझ में आ जाएगा सारा और कहीं दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी खोपड़ी में सब फिट बैठेगा एकदम ठीक सुनो मेरी बात जितने भी सेल्स आप देख रहे हो दीज आर ऑल सेल्स दैट आर डिफरेंशियटेड दे हैव अ प्रॉपर फंक्शन सारे के सारे अपना कोई अपना अपना काम कर रहे हैं जाइल अपना काम कर रहा है फ्लोएम अपना काम कर रहा है के सेल्स आर नो सेल इज डिवाइडिंग कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे सबके पास डिफरेंशिएशन है सबके पास अपना स्पेसिफिक रोल है सो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ डिविजन कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा मैं सेल्स का नंबर कैसे बढ़ाऊं और नंबर नहीं बढ़ाऊं तो तब तक गर्थ में कैसे इंक्रीज होंगे है कि नहीं राइट सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि अब हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमें कुछ सेल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे दैट हैज कैपेसिटी टू डिवाइड कोई भी सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं करता था तो मैंने नॉर्मल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को बोला वापस आ जाओ और प्लीज डिवाइड कर दो दैट मीन्स अब मैं जो डिवाइडिंग सेल बनाने जा रही हूँ ये प्लांट की जिंदगी में बाद में अपीयर होगा फर्स्ट लेक्चर वेन वी स्टडीड मेरिस्टमैटिक टिश्यू तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम जो अपनी कैपेसिटी बाद में रीगेन करते हैं ऑफ डिवाइडिंग यू गाइस रिमेंबर कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली क्लास है बैठे जल्दी कमेंट सेक्शन राइट ना दिस रीजन नाउ विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग अब देखो यहाँ क्या मस्त चीज होगी मस्त चीज कुछ ऐसी होगी जाइलम के जस्ट ऑपोजिट पेरीसाइकल के सेल्स कौन से सेल्स जाइलम के जस्ट ऑपोजिट पेरीसाइकल के सेल्स हाँ huh? तो एक पैच यहां बनेगा एक इधर आया पैच एक इधर आया पाँच सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल जस्ट ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम कुछ भी ऐसा नया नहीं बोला पेरीसाइकल के वो सेल्स जो प्रोटोजाइलम के जस्ट ऑपोजिट है दे लूज देर डिफरेंशिएशन वो अपना काम छोड़ के डिवाइडिंग हो जाते हैं दैट मींस दे डी डिफरेंशिएट अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अपना पहला क्लास का नोट्स ओपन कर ले साइड में डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म मिरिस्टमैटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स ये काम कर रहे थे काम छोड़ दिया अपना बोले बोलो हाँ डिवाइड करना लो एक दो तीन चार पांच डिवाइड ठीक है सेल्स कौन से पेरिसाइकिल के सेल्स दट आर ऑपोजिट टू प्रोटोसाइलम डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड सिमिलरली फ्लोएम के नीचे के कंजंक्टिव टिश्यू सेल्स पैचेस बिलो फ्लोय बिकम डी डिफरेंशिएटेड एंड स्टार्ट डिवाइडिंग तो पैच में काम शुरू हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में बात शुरू हुई है कहां प्रोटोजाइलम के जस्ट ऑपोजिट वाले पेरिसाइकल सेल्स डी डिफरेंशियट हो गए और फ्लोएम के जस्ट पैच के नीचे वाले सेल्स उसके सामने वाले सेल्स दे डी टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टिम दीज आर बिकमिंग मेरिस्टमैटिक पैचेस ये छोटे छोटे पैच बन गए हैं मेरिस्टिम के ठीक है और अब धीरे धीरे करके यहां सारे सेल्स ये देखो लाइन बनी पूरी

this is a wavy cambial ring wavy cambial ring ठीक है दोबारा रिपीटिंग स्टीलर रीजन ऑफ डायकॉट रूट स्टीलर रीजन जो है डायकॉट रूट का उसमें पेरिसाइकल के सेल्स जो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट थे और फ्लोएम के नीचे वाले सेल्स दे लूज देयर डिफ्रेंसिएशन वो छोड़ देते हैं अपना काम नॉर्मल काम और डिवाइड करने वापस चले आते हैं जिंदगी में बाद में प्लांट की जिंदगी में लेटर दे गेन दे एबिलिटी टू डिवाइड उन्होंने बाद में डिवाइड करना सीखा है सो सिंस दे आर डिवाइडिंग लेटर इन प्लांट्स लाइफ एंड दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड लेटर इन प्लांट्स लाइफ दिस इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन सेकेंडरी इन ओरिजिन पूरा वेवी रिंग बना और रिंग बड़ा देखो दिमाग से बनाया है आप रिंग के अंदर की तरफ देखोगे इस लाल से रिंग के अंदर की तरफ देखोगे तो जाइलम रह गया है सारा फ्लोएम बाहर की तरफ रह गया है यू सी द पैचेस ऑफ फ्लोएम ऑन द आउटसाइड पैचेस ऑफ फ्लोएम आर लेफ्ट आउटसाइड एंडलम इज नाउ ऑन द इन साइड ये फ्लोएम को डिवाइड कर गया फ्लोएम को डिवाइड कर गया जयलम और फ्लोएम को डिवाइड कर गया डिस्फॉर्मड बिटवीन वैस्क्यूलर सिस्टम वैस्क्यूलर टिश्यू इसीलिए हम इस केम्बियम को क्या बोल देंगे वैस्क्यूलर केम्बियम ठीक है इसको हम क्या बोल देंगे वैस्क्यूलर केम्बियम यहां तक क्लियर यहां तक क्लियर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन ठीक है अब सेल्स ना ये डिवाइडिंग सेल्स हो गए बेटा केम्बियल मींस इट इज मेरिस्टमैटिक इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग केम्बियम इज मेरिस्टम दैट मींस इट हैज डिवाइडिंग सेल्स अब ये सेल्स डिवाइड करने लगेंगे जो लाल वाले एरिया में है रेड वाले एरिया में जो सेल्स हैं दे स्टार्ट डिवाइडिंग व्हेन दे स्टार्ट डिवाइडिंग बड़ा दिमाग से डिवाइड करता है सेल

मैं हमेशा एक सेल को रख लेती हूं एज अ मेरिस्टमैटिक सेल एक तरीका तो डिवीजन का ये है कि एक सेल को दो में डिवाइड करो और दोनों को डिफरेंशिएट कर दो तो अब डिवाइड कौन करेगा नोबडी कैन डिवाइड नो ना खत्म मेरा मेरिस्टमैटिक सेल अब मैं ये तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू दिस क्योंकि कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ रखनी है मुझे ग्रोथ तो मैं क्या करती हूँ मेरिस्टमैटिक सेल को डिवाइड कराती हूँ सिर्फ एक सेल को डिफरेंशिएट कराते हैं एक को अभी भी हमने मेरिस्टमैटिक रख लिया फिर से इसको डिवाइड कराएंगे इसको मेरिस्टेम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ये मेरिस्टेमेटिक रह गया तो मेरा केम्बियम कभी खत्म नहीं होगा इसीलिए प्लांट में एक बार केम्बियम फॉर्मेशन हो गया अब ये वाला तो सेकेंडरी ग्रोथ ग्रोथ में होती रहेगी प्लांट का तना वो ट्रंक इंक्रीज होता रहेगा साइज में व्हेन यू लुक एट दिस थोड़े टाइम बाद की कहानी फ्यू इयर्स लेटर फ्यू इयर्स लेटर यू विल सी दैट द पेरीसाइकल इज ऑफ दिस साइज ये हो गया आपका पेरिसाइकल बेटा पेरिसाइकल के सेल्स बाहर पहुंच चुके हैं क्वाइट लार्ज है ना बाहर की तरफ है अगला पॉइंट कहीं कोई पैच बचा तो बचा नहीं तो फ्लोएम पिचक जाता है फ्लोएम लिविंग टिश्यू था प्राइमरी फ्लोएम वाज़ अ लिविंग टिश्यू पिचक गया कहीं शायद पैच बचे सो बचे नहीं तो पिचक गया होगा लिविंग सेल है ना पचाक कोई लिग्निफिकेशन भी नहीं है नॉर्मल उसका नॉर्मल सा सेल वॉल था बेचारा पिचक गया बचा तो मैं फिर भी दिखा देती हूं कि शायद बच गया हो तो प्राइमरी फ्लोएम ये रहा दिस इज प्राइमरी फ्लोएम ठीक दिस इज प्राइमरी फ्लोएम नाउ लुक एट दिस ये वाली लाल बनाएंगे हम रिंग दिस रेड पार्ट

जब बना था तब भी बड़े दिमाग से बनाया गया था क्या दिमाग लगाया था कि दोनों जाइलम और फ्लोएम को अलग-अलग कर दो अंदर जाइलम ले लो बाहर की तरफ फ्लोएम छोड़ दो है ना तो ये सेल ये जब लेयर पूरा डिवीजन शो करता है सेल्स बनाता है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ ये बनाएगा आपके लिए द सेल्स दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑन द आउटसाइड आर नोन एज सेकेंडरी फ्लोएम वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स सेल्स टूवर्ड आउटसाइड एस फ्लोएम सेल्स और अंदर की तरफ बनाता है लगभग दस टाइम ज्यादा बनाता है फ्लोएम के कंपेरेटिवली मतलब अगर एक सेल फ्लोएम का बनाया उसने बाहर की तरफ तो अंदर दस सेल बनाए होंगे ऐसा क्यों मैम फ्लोएम क्यों नहीं ज्यादा बनाताइलम क्यों ज्यादा बनाता है अगर आप प्लांट को देखोगे प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है एरियल पार्ट दर लॉट ऑफ लीव्स कंडक्शन में ठीक ठाक आसपास आधा आधे से ज्यादा काम तो पेड़ अपना खुद ही कर रहा है एवरी रीजन काइंड ऑफ इज फॉर्मिंग इट्स ओन फूड रूट को नहीं पहुंचता बस बाकी सारी जगह पे मैक्सिमम आपका खाना खुद ही बन रहा है एरियल पार्ट में तो इतना ज्यादा कंडक्शन की फूड की फिर भी रिक्वायरमेंट नहीं है वी नीड अ प्रॉपर कंडक्शन ऑफ वॉटर कंपेरेटिवली पानी का कंडक्शन मुझे ज्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने अंदर की तरफ टेन टाइम्स ज्यादा जाइलम बनाया है कंपेयर टू फ्लोएम तो साइकिल सम पैचेस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम अगर बचे तो बचे नहीं बचे तो सेकेंडरी फ्लोएम ठीक है ये पूरा रिंग क्या बना लाल वाला हमारे पास पूरा जो रिंग है दैट इज जो कि अब पूरा प्रॉपर रिंग में आ चुका है पहले वेवी था अब प्रॉपर रिंग आ गया अंदर की तरफ बनाएगा आपके लिए दिस रीजन इज सेकेंडरी जाइलम दिस रीजन इज सेकेंडरी जाइलम और कहीं बीच में छोटा छोटा हमारा प्राइमरी जाइलम बचा है दिस इज प्राइमरी जाइलम तो स्टीलर रीजन का आप ग्रोथ देखो जरा से से इतने से क्या हो ऑर्डर इज गोइंग टू रिमेन द सेम पेरेकिल प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू सेकेंडरी प्राइमरी यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑर्डर नहीं बदलेगा ठीक है यहां तक लिख लिया हम्म क्लियर गधे को घोड़ा कह सकते हैं कॉर्ड केम्बियम को वैस्कुलर केम्बियम कह के सकते हैं गधे को घोड़ा कह सकते तो कह लो मैं क्या करूं सारी जगह की बातें करनी है हर जगह जाके उल्टी बात करती है सीधी बात कर ही नहीं सकते ठीक है चलिए ये हुआ बेटा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट अब आ जाते हैं डाइकॉट स्टेम में लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम डायकॉट स्टेम का भी स्टीलर रीजन की बात कर रहे हैं हम स्टीलर रीजन ठीक है वे टॉकिंग अबाउट दिस स्टीलर रीजन योर राइट लेट्स गेट स्टार्ट यह है आपका पेरीसाइकिल थोड़ा पहले से ही बड़ा बना रही हूं उसको मैं क्योंकि काफी सारी चीजें हैं पेरीसाइकिल ठीक अगर आप इसको देखते हो स्टीलर रीजन ऑफ डाइकॉट स्टेम देखो एक बार जाके स्टीलर रीजन में के बाद आपको दिखते हैं वैस्क्यूलर केम्बियम सॉरी वैस्क्यूलर बंडल्स यू सी वैस्क्यूलर बंडल्स लाइक दिस इन अ रिंग ये वैस्क्यूलर बंडल्स कैसे थे इनके अंदर बीच में यहां पर केम्बियम प्रेजेंट था दीज आर को कोलैटरल ओपन वैस्क्यूलर बंडल्स जॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल्स जिनकी बात हमने कल ही करी है डायकॉट के स्टेम के अंदर ठीक है इफ आई लेबल थिंग्स आउट तो ये वाला रीजन दिस रीजन इस फ्लोएम इससे करते हैं राइट दिस इज ऑल फ्लोएम अब है ठीक है येलो वाला पोर्शन जो मैंने बनाया दैट इज फ्लोएम और अंदर की तरफ आ जाएगा आपके पास जाइलम राइट आर वी क्लियर टेयर चलो लेबल कर दू ब्लैक से लेबल कर रही हो क्योंकि बाकी व्हाइट व्हाइट दिखेगा नहीं इस पर दिस इज योर प्राइमरी फ्लोएम ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज इंट्रा इंट्रा का मतलब विद इन विद इन इंट्रा फैसिक्युलर केम्बियम ठीक है इंट्रा फैसिक्युलर Cambium. और ये जो ब्लू वाला रीजन है दिस इज नोन है प्राइमरी प्राइमरी ठीक बच्चे क्लियर है यहां तक और ये बीच में क्या आ गया मेड्यूलरी रेस बिल्कुल बीचो बीच डन फुल लेबलिंग, इंट्रावैसक्यूलर मत बोलो इसको फैसिक्युलर ही बोलते हैं हम तो इंट्राफैसिकुलर में वुड बी अ बेटर वर्ड टू यूज ठीक है ये कहानी पढ़ी हुई है कल की क्लास में इसी को बताया था ठीक है अब देखो नया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिवाइडिंग टिश्यू बैठा है बट डिवाइड नहीं कर रहा इंट्राफेसिकुलर ना तब से ये बैठे हैं कि डिवाइड करेंगे भाई मौका मिलेगा और दिवागे, 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 दिवागे। बैठे हुए थे ये। तो कुछ मेरे पास ऑलरेडी स्टार्टिंग से बैठा हुआ है दिस इज प्राइमरी इन ओरिजिन इज अ डिवाइडिंग टिश्यू जो स्टार्टिंग से बैठा है जब प्लांट छोटा सा था तब से इन बंडल्स के अंदर बैठा और वेट कर रहा है कि मौका आएगा एक दिन अपना टाइम आएगा टाइप्स बैठा वेट कर रहा है डिवाइड 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 करूंगा 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 एक दिन ठीक है आफ्टर फोर फाइव ईयर इसने देखा प्लांट बहुत ज्यादा बढ़ गया बोला अब आ गया टाइम दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक क्या करना है साइड वाले लोगों को कन्विंस करना है कि चलो डिवाइड करते हैं ठीक है तो करा इसने क्या मेड्यूलरी रेस के सेल्स जो साइड में थे मेड्यूलरी रेस किसका बना हुआ है Parent का है उसे बोला भाई तू काम छोड़ दे अपना मैं लगवाता हूं तेरी नौकरी एकदम मस्त हाई क्लास ठीक है ये क्या तो पांच हजार की नौकरी करूंगा मैं पांच लाख की नौकरी मांगा ठीक है पूरी दुनिया में राइट नाउ दिस सेल कौन से सेल मेडुलरी रेज के पैरेन्काइमेटस सेल दैट वर डिफरेंशिएटेड वर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन ऑफ रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर लूज देयर डिफरेंशिएशन मतलब छोड़ मेरा काम मतलब छोड़ काम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो दे रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड कौन से द सेल्स एडजेसेंट टू इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजेसेंट टू इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेज के वो सेल्स जो इंट्रा इंट्राफेस्टिकुलर केम्बियम के साइड में है दे लूज द डिफ्रेंसिएशन एंड स्टार्ट डिवाइडिंग लो फिर एक पैच यहां बन गया एक पैच यहां बन गया ये पैच इधर बना और ये पैच इधर बना राइट दिस इज नोन एज इंटर बिटवीन Cells को बोला, छोड़ दे अपना काम और डिवाइडिंग बन जाए, तो ये पूरा रिंग बन गया मेरे पास इंट्राफेसिकुलर केम्बियम जो पहले से प्रेजेंट था और इंटरफेसिकुलर केम्बियम जो अभी बना उसका एक कंप्लीट रिंग बन गया दिस इज योर वैस्क्यूलर केम्बेल रिंग विच इज हाफ प्राइमरी एंड हाफ सेकेंडरी इन ओरिजिन हाफ प्राइमरी हाफ सेकेंडरी इन ओरिजिन बना तो डिवाइडिंग ही ना मेरे को क्या करना है सेल्स तो डिवाइड कराना है एक पहले से था एक मैंने बात में बना लिया सिंपल सी बात है ये मुझे तो सेल डिवाइड कराना है बड़े-बड़े शब्दों का कोई मतलब नहीं है खास ठीक है इंटर इंट्रा ब्ला ब्ला डिवाइडिंग सेल तो बनाना मैम एक पहले से था वो प्राइमरी हो गया जो अभी बना वो सेकेंडरी हो गया सिंपल सिंपल ठीक है बच्चा क्लियर तो आप फिर से एक रिंग बन गई और देखो फिर बड़ा स्ट्रैटेजी के लिए रिंग बनी है बड़ा स्ट्रैटेजी के साथ रिंग है आप इस रिंग के अंदर की तरफ देखो सारा जाइलम अंदर आ गया है और सारा फ्लोएम बाहर रह गया फिर से सारा जाइलम अंदर है देखो ब्लू वाला रीजन सारा अंदर है और फ्लोएम सारा बाहर है सेल्स we'll we'll जैसे आप लगोगे एक से दो बनता है और दो बनता है एक से दो बनता है अंदर की तरफ बनेगा फ्लो एम एंडलमिल्स मोर इन अमाउंट एज कम्पेयर टू फ्लोएम क्योंकि पानी का कंडक्शन ज्यादा कराना है तो आओ फ्यूर्स लेटर छराक घटिया सर्कल एकदम रुको ठीक पेरिसाइकल पेरिसाइकल दिस पेरिसाइकल विल हैव अ लिटिल बिट निन्नू निन्नू छोटे छोटे पैचेस ऑफ़ <laughs> प्राइमरी वो भी शायद बचे होंगे वैसे ही मैंने आपको बताया लिविंग टिश्यू है धक्का मारा होगा किसी ने तो उड़ गया होगा आगे से पिचक गया शायद वॉल के साथ क्रश हो जाएगा ठीक है नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट द होल रिंग व्हील गेट रेड से बना देते हैं I'll get the complete ring here मजेदार बात यह है अगर दिखाना चाहो तो वैसे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले बना कौन बाद में बना आई डोंट डों मोर ठीक है यह तो इनिशियली बस बताने की बात थी कि ओरिजिन देखो पहले से कुछ पड़े थे सेल्स और कुछ बाद में बन गए तो हाफ प्राइमरी हाफ सेकेंडरी इन ओरिजिन ठीक है लेकिन अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे सेल्स डिवाइडिंग ही तो है ना बच्चा एवरीथिंग इज डिवाइडिंग ओनली लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं दैट दिस रीजन ये वाला पार्ट ये पहले से डिवाइडिंग था जस्ट टू रिमेंबर रिमेंबरिजिन ओरिजिन बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाओ नहीं दिखाओ चलेगा क्योंकि अब सब कुछ सिर्फ डिवाइडिंग सेल हो गया है मुझे क्या पता कौन सा पहले से डिवाइडिंग था कौन सा बाद में मम, से डिवाइडिंग था आई डोंट नो ना जैसे आप कमरे में घुसते हो मम्मी आप सुबह से बैठ के पढ़ाई कर रहे थे ठीक है आपके भाई ने पूरे घर में उड़दंग मचाया हुआ है ये फेंका वो फेंका वो थोड़ा तुम सुबह से पढ़ रहे थे लेकिन जब मम्मी कमरे में घुसे तो तुम भी उड़ाम उड़ूम फेंक मार फेंक रहे थे चीजें मम्मी बोले सुबह से दोनों बकवास कर रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो वाली बात है सेल्स हम सारे डिवाइड कर रहे हैं मुझे नहीं पता आप कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी क्या कौन कैसे बना ऑल द सेल्स आर जस्ट टू रिमेंबर आप अगर याद रखना चाहते हो तो जस्ट हल्का सा एक ब्लैक व्हाइट ब्लैक रेड ब्लैक रेड कर लेना जस्ट टू रिमेंबर दैट was वॉज हाफ प्राइमरी हाफ सेकेंडरी बट इट matter मोर ठीक है बढ़िया। बाहर की तरफ कौन बनाएगा? प्राइमरी फ्लोएम अंदर की तरफ क्या बनाएगा सॉरी बाहर की तरफ क्या बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ सेकेंडरी चलो दिस प्राइमरी फ्लोएम रीजन सेकेंडरी फ्लूएम कौन सा रीजन ये पूरा बाहर भाई सब पूरा द होल रीजन इज गोइंग टू बी सेकेंडरी फ्लूएम ठीक केम्बियल रिंग वैस्क्यूलर केम्बियम विच इज आई डोंट केयर व्हाट इज एपनिंग अभी अभी सिर्फ डिवाइडिंग है लेकिन ओरिजन देखूं तो आधा प्राइमरी आधा सेकेंडरी था जबकि पीछे रूट में देखो ओरिजिन तो इट वॉज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन क्योंकि कोई भी सेल पहले से डिवाइडिंग नहीं बैठा था सारे सेल्स बाद में डिवाइडिंग बनाया है मैंने ठीक है चलो फिर अंदर की तरफ बनाएगा इमेजिन करो छोटा छोटा सा ना ये ऐसे नहीं। नहीं। ये है तुम्हारे प्राइमरी जाइलम प्राइमरी जाइलम क्रश नहीं होता है जाइलम जाइलम क्यों क्रश क्रश नहीं होता है बिकॉज लिग्निफाइड वॉल्स लिग्निन का डिपोजिशन था जिसकी वजह से वो सॉलिड हो गया स्ट्रोंग हो गया तो जाइलम नहीं डेड होता है ठीक है और क्या कह सकते हो क्रश होता है वैसे तो डेड ही है जाइलम तो डेड ही है बट क्रश नहीं होता पिचकता नहीं है फ्लोएम पिचक जाएगा क्योंकि वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं नॉर्मल सेल की वॉल थी ठीक ये जो पूरा रीजन बचा इधर ये देख रहे This complete region. ये This complete region. हो इधर दिस कंप्लीट रीजन ये बेटा जी दिस कंप्लीट रीजन इसकी होगी पार्टी दिस होल इज फॉर्मिंग xylem गायब हो जा रहा है क्या ब्लैक से बना प्राइमरी जाइलम चारों तरफ से घिरा हुआ है किससे सेकेंड्रीजम दिमेन सेम पेरिसाइकिल फ्लोएम सेकेंड्री फ्लोएम केम्बिल टिश्यू सेकेंडरी प्राइमरी ध्यान से देख रहे हो अगर तो आपको दिख रहा होगा कि वैस्कुलर वैस्किल्बियम के हमेशा बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम होता है वाई एम आई कॉलिंग देम सेकेंडरी क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टिन से बने दूसरी बार जब डिवाइड होने लगे सेल्स है ना तब उनसे बने ये री डिफ्रेंसिएशन से बने सेकेंडरी सेकेंड्रीज सेकेंडरी फ्लोएम आर प्रोडक्ट ऑफ री डिफ्रेंसिएशन मतलब पहले कोई सेल था जो अपना काम कर रहा था डिफ्रेंशिएटर था फिर उसने अपना काम छोड़ा बोला डिवाइड करूंगा तो डी डीडिफ्रेंशिएट हो गया अब डिवाइड होने के बाद ये वाला सेल इसको फिर कोई काम मिल गया रीडिफ्रेंशिएट हो जाता है सेल डि रीडिफ्रेंशिएट रीडिफर ठीक है सो द ऑर्डर रिमेन सेम बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज टू से कि पूरा जाइलम भर गया बीचो बीच टू पूरा फ्लोएम भर गया इधर अगर मैं फ्लोएम को भी ऑरेंज से कर दू तो एकदम सॉलिड ब्लॉक बन जाना है जाइलम और फ्लोएम का भाई साइड में कौन ले जाएगा खाना और पानी पानी का पूरा पाइप बन गया सॉलिड बीचो बीच ठीक है साइड में उसके थोड़ा पेरी में बन गया हमारा फ्लोएम बट ये सब कुछ सिर्फ बीच वाले पार्ट को कंडक्शन में साइड के का क्या हुआ वॉट अबाउट The extra stellar part. What about endodermis? What about cortex? What about epidermis? What about living tissue which is outside? उधर तक कंडक्शन कौन पहुंचाएगा? ठीक है, फ्लोएम को भी तो पानी पहुंचना है, कुछ ना कुछ करके यहाँ भी तो interaction रहना है, पानी को साइड में कौन लेके जाएगा? जिसका काम था मेडुलरी रेस का काम था ना ये? ये काम किसका था मेड्युलरी रेस का था कि साइड कंडक्शन करा दो अब मेड्यूलरी रेस का जब काम जब मेड्यूलरी रेस ही नहीं बचे तो का काम हाउ एम आई गोइंग फॉर टू टेक वाटर लेफ्ट राइट रेडियल कंडक्शन में खाना पानी कैसे जाएगा जब रेड जब मेरे पास रेडियल कंडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर था वो ही टूट गया है ना पूरा रोड ब्लॉक कर दिया बोला साइड में निकल जाओ साइड में किधर निकल जाओ कूदू क्या मैं फ्लाईओवर से नीचे रास्ते तो बनाने पड़ेंगे ना तो जब रास्ते साइड को बनाए हमने तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा अब इंटरेस्टिंग चीज देखना ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है रूट एंड स्टेम बोथ ठीक है रूट एंड स्टेम बोथ लुक एट द वैस्कुलर केम्बियम मैं यहां से एक छोटा सा सेक्शन वैस्कुलर केमियम का निकाल ले रही हूं बाहर आपको दिखाने के लिए ठीक है वैस्कुलर केम्बियम के जो सेल्स थे वो छोटे छोटे होंगे डिवाइडिंग सेल है ना छोटे छोटे सेल्स vascular cambium cells are dividing cells meristematic cells so they will be small cells small in size prominent nucleus dense cytoplasm divide 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 जिंदगी का काम ठीक है ये अंदर की तरफ ये आए हम फित्थ की साइड मतलब जाइलम इधर बनेगा ये हमें पेरिसाइकल की साइड ठीक है दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये मेरा कैम्बियम दिस इज केमियम वैस्क्यूलर केमियम ठीक है वैस्क्यूलर केमियम अंदर की तरफ बनाता है टेन टाइम्स ज्यादा जाइलम मतलब वैस्क्यूलर केमियम के जो सेल्स हैं अंदर की तरफ जाइलम 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 हाँ ये जाइलम 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 जाइलम

सेकेंडरी फ्लूएम सेकेंडरी जाइलम बाय द प्रोसेस ऑफ री डिफ्रेंसिएशन दोबारा काम मिला है पहले नहीं थे ये सेल्स ही नहीं थे पहले काम कहां से दोगे तुम ठीक है री से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लूएम बना दिया ये सेल्स केम्बियम के उन सेल से बने जिनको हम कहते हैं फ्यूजी फॉर्म इनिशियल्स सेल्स ऑफ केम्बियम आर नोन एज यूजी फॉर्म इनिशियल मजे द सेल्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म आईट दायलम और फ्लोएम केम्बियम के वो सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम बनाने में मदद करते हैं लागोग क्या हुआ होगा लाग रुको आई रिपीट आई रिपीट थोड़ा लाग था शायद यहां पे देखो केम्बियम के कुछ सेल्स हैं मेजोरिटी सेल्स हैं मेजोरिटी सेल्स जो केम्बियम के हैं वो अंदर की तरफ और बेटा बाहर की तरफ बना रहे ठीक है ठीके? ऐसे सेल्स को के हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेट आर गोइंग टू फॉर्म ऑन द इनसाइड एंड फ्लोएम ऑन द आउटसाइड जो अभी तक हम बात कर रहे थे लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई थी अगर सारे और जाइलम बना देंगे, तो हम रेडियल कंडक्शन नहीं करा पाएंगे हमारी साइड की सड़कें टूट सिर्फ एक रिंग बन गया है, करने के लिए हमने कुछ सेल्स केम बम के बोला कि देख तू चुपचाप आराम से बैठ और भाई मेरे लिए नॉर्मल पारन बना के दे क्या हो गया इसको अभी आ रही है अभी क्लियर है बेटा हम्म कोई नहीं समझा के जाऊंगी चिंता की बात नहीं केम्बियम के सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं उनको बोला फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स लेकिन कुछ केम्बियम के सेल्स को बोल रहे कि यार साइड को भी सड़क बनानी है तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि कुछ नॉर्मल पैरन भी बना दिए जाए ठीक है सो so, नॉर्मल पैरन बनाने का जिम्मा दिया मैंने इन दोनों सेल्स को प्लीज हाँ नॉर्मल बनाने का जिम्मा दिया गया इन सेल्स को ये सेल्स बोले हम एक काम करते हैं रेडियल कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है ना तो लेट्स डू वन थिंग हम कुछ सेल्स ऐसे बना देते हैं के इस रिंग के जो अंदर की तरफ जाइलम नहीं बनाएंगे तो अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम नहीं बनाएंगे जो नॉर्मल पैरन कायमा बनाएंगे ठीक है तो आपका अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बना नॉर्मल पैरन कायमा बच्चा ठीक है यू गेट नॉर्मल पैरन कायमा आतेल्स दीज सेल्स ये वाले पैरन कायमा ये The cells of cambium that are forming parenchyma on both outside and inside are known as ray initials, forming secondary medullary rays for radial conduction of food and water. तो आप एनसीआरटी में देखोगे आपको इसी डायग्राम में ऐसे ऐसे लाइनें दिखेंगी दीज आर सेकेंडरी मेड्यूलरी ट्रेस दिस इज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेप एज वेल एज इन डाइकोट रूट ये सेकेंडरी ऐसे दिखे या ऐसा ही कुछ आपको इधर भी दिख जाएगा रेडियल कंडक्शन अगर रिक्वायर्ड हुआ तो अगर रिक्वायर्ड हुआ तो रूट के अंदर तो अलग ही कहानी चलती है रूट के अंदर आपका चलो ये भी बता देते हैं रूट के अंदर इतना ग्रोथ 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 हो जाता, ग्रोथ ग्रोथ हो जाता जाता है 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 इतना ही होता जा रहा है। जो मेन प्राइमरी रूट थी ना वो इतनी पुरानी हो गई वो बस अब सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इट इज नो मोर कंडक्टिंग जो लेटरल रूट्स हैं रूट हेयर हैं छोटे छोटे ऊपर वाले पार्ट्स हैं उनसे एब्जॉर्ब हो रहा है नए पोर्शन पुराना वाला बस अब बैठ गया है बोले भाई बहुत हो गया बुढ़ापा आ गया मेरी जिंदगी में इतना धक्का मार देते हैं हम पेरीसाइकल के बाहर वाले सेल्स अब टिश्यू की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द टिश्यू दैट इज आउटसाइड पेरीसाइकल इन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम सॉरी डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट लिख लिया बेटा यहां तक डन मेरा थोड़ा दिमाग लगाओ कंजक्टिव टिश्यू बचा का इट्स ऑल पैर जस्ट गोइंग टू गिट पचैक ठीक है सारा पैर पचैक इट इज नॉर्मल है ठीक है डन और बचा क्लियर ठीक बढ़िया ना मूविंग टू द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ इन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन समझना इस बात को क्या कह रहा है ये है मेरे पास एपिडर्मिस बेटा Epidermis. Okay. Epidermis यहां पर है और मेरे पास ये वाला रीजन था एंड था स्टील यहां से ग्रोथ बाहर की तरफ शुरू हुई मैंने धक्का मारना शुरू किया बाहर से सेल्स को इन सेल्स ने बाहर वाले सेल्स को धक्का मारा और सेल्स को धक्का मारा और सेल्स को धक्का मारा अल्टीमेटली एपिडामिस फटैक एपिडोमिस फटैक Ruptures. अब एपिडर्मिस फटा अगर वो भी बिना बताए सर्दियों में जैसे तुम लोगों का हाथ फट गया अगर मान लो वही एकदम रिन की बेटी एकदम रिन की टिकिया लेके एकदम घस डाला हाथ पे और मिट्टी मार दिया एकदम फट गया हाथ एपिडर्मिस रक्चर्स चांसेस वो जो कट लगा आपको वूड लगा आपको इन्फेक्शन हो सकता है सिमिलरली प्लांट के लिए भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है अंदर से ग्रोथ शुरू हो गया तो अब बाहर के लिये फट रहे हैं क्रैक आ रहा है आप ओपन छोड़ोगे, में फिर भी चलो झेल हम रूट के अंदर तो चारों तरफ सॉइल है सॉइल में माइक्रोव भरे पड़े हैं इन्फेक्शन एंटर कर जाएगा सो वी नीड टू अ स्ट्रैटेजी टू सील सच क्रैक्स ठीक अब इसके लिए let's just राइट इमेजिन दैट दिस इज योर एपिडर्मिस फटा हुआ एपिडर्मिस फटा हुआ एपिडर्मिस हमारा बेचारा ठीक इसके पीछे मेरे पास थे टाइम है अगर तो हाइपोडर्मिस होगा रूट है अगर तो नॉर्मल कॉर्टेक्स होगा है ना अब ऐसे में देखो मैं कितने आराम से बोल जा रही हूँ लेकिन तुम लोगों को टाइम लगेगा टू रिमेंबर कि हाँ रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होता है इसलिए नॉर्मल कॉर्टेक्स होगा स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे हाइपोडर्मल लेयर हो ठीक है तो डिपेंडिंग वेदर इट इज रूट और स्टेम यहां के सेल्स आप बन जाएंगे जस्ट पीछे वाले सेल्स ना बोले हम डिवाइडिंग सेल्स है भाई हमने बना दिया उसके पीछे वाले सेल्स एपिडर्मिस के पीछे कॉर्टिकल सेल्स को कॉर्टेक्स के सेल्स को बोला कि तुम हो आज से डिवाइडिंग सेल्स स्मॉल स्मोल डिवाइडिंग सेल्स नोन एज कॉर्क वी कैन नॉट कॉल कॉर्कम्बियम के बच्चा था बेटा ध्यान रखो थोड़ा है ना गधे को उल्लू उल्लू को गधा और शेर को गधा और गधे को शेर बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा ठीक है चलो आगे अभी देखो इसको कॉर्क कैम्बियम बन गया दिस कॉर्क कैम्बियम दैट आई गेट ऑब्वियसली विल डिवाइड क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू है कैम्बियम मींस मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड बाहर की तरफ सेल्स बनाएंगे अंदर की तरफ सेल्स बनाएंगे अंदर की तरफ जो ये सेल्स बनाता है इट इज यूजुअली नॉर्मल पैरेन्काइमा नॉर्मल इमा तो अंदर की तरफ जो सेल बना उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉटेक्स पैरनकाइमेटिस सेल्स पैरनकाइमेटिस सेल्स ठीक है अंदर बने बाहर की तरफ नॉर्मल सेल्स बने होंगे जो बाद में जिंदगी में लेटर इन द प्लांट्स लाइफ ठीक है जैसे सुबरिन डिपॉजिटेड था किस पे एंडोडर्मिस पे एंडोडर्मिस पे जो मेरा सुबरिन डिपॉजिट था बेटा वो एक छोटा सा रिबन फॉर्म में अटैच था बट नाउ आई एम गोइंग टू पैक द होल सेल विद सुबरिन मैं पूरा का पूरा सेल पूरी तरह से ऐसे लतपत कर देना है मैंने सुबरिन से इज सेल्स अगर पूरे सेल पे वैक्सी कोटिंग लगा दू जिसमें हवा पानी एंटर ही नहीं कर सकता तो डेड हो जाएगा इसके वॉल पे पागल जैसे हमने इंटरनल सुबरिन चिपका दिया सो दिस फॉर्म्स कॉर्क कॉर्क के सेल्स आर डेड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सुबरिन ठीक है इसलिए इस सबसे बाहर वाली लेयर पे एक वैक्सी कोटिंग जैसे हो गया इट इज इम्परवियस टू एयर एंड वाटर यहां से कोई नहीं आ रहा माइक्रोब हवा पानी कुछ नहीं आ रहा ठीक है हमने सील कर दिया इसको कंप्लीटली ओके सो आउटर मोस्ट कॉर्क कॉर्क एमियम सेकेंडरी कॉर्टिक्स इन्हीं के कुछ दूसरे नाम भी हैं कॉर्क इज ऑल्सो नोन एज इज़ जोजन सेकेंडरी कॉटेक्स इज ऑल्सो नोन एज पेलोडम वर्ड की लेंथ देखोगे सबसे छोटा वर्ड सबसे बाहर फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा वर्ड फेलम फेलोजेन फेलोडम ठीक है फेलम फेलोजन फेलोडम ऑल थ्री layers together इज known as पेरीडोम इज known as पेरीडोम ठीक ये कहां बन गया हर जगह को सील ऑफ करने के लिए मैंने बना दिया ये लो यहां बना इधर बना इधर बना धीरे तो धीरे करते 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 पता चला कभी कहीं से फटा कभी कहीं से फटा सेल कभी कहीं से फट गया तो हमने क्या किया पूरे में कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे पैचेस लगा दिए अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों हो सकती है कि मैं जो टिश्यू लगा रही हूँ एक तरीके से प्लास्टिक है प्लांट का प्लास्टिक है ठीक है इम टू एयर एंड वाटर कुछ नहीं जा रहा उसको भी कोई कुछ खराब नहीं कर पाया क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है इट इज गोइंग टू गेट डेरी स्लोली इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड ये एकदम धाँसू लेयर बना दिया है मैंने आप सोचो थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक प्लास्टिक लेयर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ देर इज अ पॉइंट जब आपके पास ऑलमोस्ट पूरा एरिया कवर हो गया होगा इससे कॉर्क से अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई सांस नहीं आ रहा सो वॉट इज नॉट एबल टू ब्रीद्लाट इज एबल नॉट एबल टू ब्रीद ज्यादा सांस नहीं ले पा रहा तो उसके लिए मैं जानबूज के छोटे छुट छोटे ओपनिंग्स बनाऊंगी

तो फिर वो सांस नहीं ले पाएगा तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम सो वी विल मेक इंटेंशनल ओपनिंग्स वहां पे जा रही हूं उस लेकिन उससे पहले यहां तक लिख लिया आपने कॉर्क का इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कॉर्क इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कॉर्क में एक एग्जाम्पल आता है ऑफ बॉटल कॉर्क कॉर्कर ओके बॉटल वाइन बॉटल वगैरह पे ऑयल के कुछ बॉटल्स पे ये कॉर्क लगाया जाता है विच इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बच्चा डन ठीक है यहां तक राइट नाउ इफ यू वांट कि थोड़ा ठीक ठाक सा ब्रीदिंग पोर्स बन जाए तो जो थिक वुडी एरिया है ना बेटा उसमें आप आ जाते हो यहां पे आर नोन एज लेंस शेप्ड ओपनिंग्स और गैशियस Exchange from woody plant parts. ठीक है वुडी प्लांट पार्ट से आपको गैशेस एक्सचेंज के लिए छोटे छोटे ओपनिंग्स बनाने हैं क्या हुआ पीछे ये मेरा एपिडर्मिस या नॉर्मली बना लो ये मेरा एपिडर्मिस। इसके जस्ट पीछे शायद कहीं पे ओपनिंग जो बनी होगी। हम आसपास के टेंटेटिव एरिया की ही बात कर रहे हैं बेटा हो सकता है पीछे से कॉर्क केम्बियम बन रहा था यहाँ है ना साइड में फटा होगा कहीं आवा आस पास कॉर्क का तो दिस इज द कॉर्क केम्बियम दैट वी द रेड रीजन इस कॉर्क ने बाहर की तरफ कॉर्क बना रखा है ठीक तो यहां अगर मान लो इसने कॉर्क बनाया हुआ था इस रीजन में तो इंस्टेड ऑफ ऑलवेज फॉर्मिंग कॉर्क इंस्टेड ऑफ ऑलवेज फॉर्मिंग कॉर्क इट फॉर्म्स सम सिंपल नॉर्मल टिश्यू ठीक है ये क्या करता है बड़ा सिंपल सा नॉर्मल सा बना देता है एंड दीज सेल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बेटा कॉम्प्लीमेंट्री को धक्का मारेगा थोड़ा सा राइट इट ओपन इट इसको रप्चर ही कराता है तो तो पहले ही हुई थी. उसी को छोड़ देते इसने क्या किया यहाँ से आपका उड़वा दिया ठीक है इट रप्चर्स फ्रॉम योर तो मैम ये तो पहले ही हो गया था जब अंदर से ग्रोथ हो तो फट था। पागलों जैसे कहीं से भी कुछ भी फट रहा है ठीक है आपके हाथ पे कट लगना that is an opening, वहां से से घुस सकता है। है। नहीं जाता, यहाँ पे गैश एक्सचेंज के लिए इसको ओपन किया गया है नॉर्मल सेल्स बनाए गए हैं बट आप पीछे टिश्यू देखो कौन सा है ना बेटा आपके पास इफ इट इज रिक्वायर्ड इफ दीज कम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बाई चांस गेट इन्फेक्टेड अगर बाय चांस ये इन्फेक्ट हो जाते हैं यहां से पैथोजन एंट्री मार जाता है तो पीछे मेरे पास कौन से सेल्स हैं केम्बियम के सेल्स हैं वो बाहर की तरफ केम्बियम सॉरी कॉर्क बना देगा सील ऑफ कर देगा फिर से इस ओपनिंग को इफ बाई चांस देर इज एन इंफेक्शन और अटैक पैथोजेनिक अटैक लेकिन तब तक, तक ये पोर आपको गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा तब तक अगर इन्फेक्शन आया तो बंद कर देंगे लेकिन तब तक हमारा काम चल गया लांटे सेल्स आर फाउंड इन द वुडी पार्ट वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो सम फ्रूट्स. आपने नाशपति पे देखा होगा पैर एप्पल uh, पे भी देखा होगा आपने एकदम चमक चमकता हुआ लाल एप्पल नहीं चेरी देखो चेरी इज ऑलवेज वेरी रेड एंड स्मूथ बट एप्पल पे आप हमेशा देखोगे ब्राउन छोटे 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 डॉट्स दो छोटा-छोटा ब्राउन ब्राउन डॉट डॉट्स आर लैंटिसल्स ठीक है दे आर लैंटिसल्स क्लियर अब आती है बात बार्क दी अनदर टर्म दैट वी हैव हियर इज बार्क बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म टिश्यू आउटसाइड वैस्क्यूलर केम्बियम। आपके दिमाग में बात बोला तो ऐसा आता है छाल नीम की छाल नीम की छाल डेडे मैम वो तो पूरा का पूरा फिर से वही बात हम लेमैंस टर्म में जिन चीजों को रेफर करते हैं जरूरी नहीं है साइंटिफिकली भी वो वही चीज हो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया ठीक है तो ले टर्म में बार्क इज द डेड पोर्शन वी आर नॉट टॉकिंग द डेड पोर्शन बार्क इज एवरीथिंग आउटसाइड केम्बियम तो अगर वैस्कुलर केम्बियम देखते हो यहां रेड वाला जस्ट बाहर क्या है सेकेंडरी फ्लोएम ठीक है तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल द टिश्यू लो, क्या क्या आ जाएगा पहला सेकेंडरी फ्लोएम अगर बचा कहीं शायद तो प्राइमरी फ्लोएम पैचेस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम इफ लेफ्ट वरना पिचक जाता है एज आई टोल्ड यू इट गेट्स क्रस्ड सेल्स ठीक है फिर थर्ड लेयर इकिल पेरीसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के बाहर मिडिल कॉर्टेक्स मिडिल कॉर्टेक्स के बाहर हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स के अंदर शायद हो सकता है आपके पास पेरिडर्म भी हो सेकेंडरी कॉर्टिक्स कॉर्कम एंड कॉर्क दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड लास्ट पार्ट अगर शायद बचा होगा तो एपिडर्मिस भी दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बार्क इसका मतलब अगर मैं बार्क की बात करूं कि मैं बार्क हटा देती हूं एक प्लांट में से मैं सारी बार्क हटा देती हूं, तो बचता क्या है ट इज लेफ्ट कॉमेंट सेक्शन क्विकली वॉट इज लेफ्ट इफ आई रिमूव द होल बार्क अगर पूरा बार्क हटा दिया जाए तो बचेगा क्या थिंक अबाउट इट अगर मैं स्टीलर रीजन में भी फ्लोएम के बाहर वाला सारा पार्ट हटा दू तो बीच में क्या बचा होगा स्टील नहीं बिना स्टील इज एवरी इन साइड एंडोडमिस्ट एंडोडोमिस के अंदर तो ये भी तो थे मैंने भी हटा दिया बच्चे। नहीं 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 बचेगा, xylem बचेगा। good. Only xylem is left. Steel के अंदर तो pericycle और ये भी तो आता था गच्चू स्टील एंड फ्लोएम बट मैंने वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का सब हटा दिया है अंदर क्या बचा? जाइलम

एंड रिंग, इसमें आ जाएगा भोज पत्र एंड इसमें आ जाएगा गुआवा नीम स्केली बार्क जो छोटा छोटा टूट टूट के गिरेगी है ना जो टूट टूट के गिरेगी और रिंग बार्क जो पूरा एक लेयर में उतर जाता था पहले पेपर की तरह यूज करते थे हम उसको भोजपत्र में पूरा एक लेयर उतर जा रहा है अलग से सो बी लीफ और जैसे भी ठीक हैथिंग वुड इज वुड ठीक है अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के वुड जाते हैं बेटा एक आता है स्प्रिंग या फिर दूसरा ऑटम स्प्रिंग और ऑटम वुड स्प्रिंग समर वुड के नाम से भी जाना जाता है समर वुड और वुड साल में पहले स्प्रिंग और समर आता है ना तो वुड बोल दिया ऑटम इज ऑल्सो नोन एज विंटर वुड और लेट वुड ठीक दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन अब होगा क्या आप सोचो सर बिल्कुल भरी गर्मी या स्प्रिंग का अच्छा मौसम दोनों में ही पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट को कुछ ज्यादा ही है प्यास बहुत लग रही है क्योंकि पानी बहुत उड़ रहा है बॉडी में से ठीक है प्लस ऊपर से मुझे बड़े बड़े पत्ते बनाने फ्लावर्स बनाने फ्रूट बनाने, बनाने सीड बनाने स्प्रिंग चल रहा है भाई बिल्कुल ऐसे खिल के खड़ा होना जाना है तो इतना ज्यादा पानी यूज करना है कि पाइप थोड़ी मोटी लगानी पड़ेगी पतली पाइप लगाई काम नहीं चलेगा तो मोटे मोटे पाइप लगाते हैं large, large लेकिन सर्दियों में ऊपर वाले सारे पेड़ में झड़ चुके हूँ पत्ते झड़ चुके हैं ऑल द लीव्स डाउन हाँ ट्रांसफरेशन है नहीं धूप निकली नहीं पिछले चार दिन से पांच दिन हो गए दस दिन हो गए कोई धूप नहीं आ रही है पाइप प्याज भी कम ही लग रही है तो छोटे छोटे वेसल्स बनाए ठीक है छोटे वेसल्स बनाए दिस फॉर्म्स वाइडर ल्यूमन ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी तो बड़े ल्यूमन होंगे इसमें नारोल्यूमन नारोल्यूमन बिल्कुल बारीक ठीक है इसीलिए दूर से देखोगे ना तो ये बड़ा लाइट दिखाई देता है इट इज लाइट इन कलर दिस इज डार्कर इन अपीयर डार्क दिखाई दे समझे मेरी बात साल में ऐसे रीजन में जैसे टेम्परेचर दिल्ली ले, ले लो कोलकाता ले लो कोई ऐसे रीजन की हम बात कर रहे हैं जहां पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है साल में और एक्सट्रीम ठंड पड़ती है साल में सच टेम्परेट टेम्परेट तो रीज़न में आप देख रहे हो कैसे आपका केमियम दो काम कर रहा है एक साल में वो एक रिंग स्टार्टिंग में बनाता है स्प्रिंग वुड की बड़ा बड़ा बड़े बड़े वेसल्स बनाएगा ठीक है टेम्परेट रीजन में इन समर्स प्रॉपर समर मिलेगा आपको और प्रॉपर विंटर मिलेगा आपको तो समर में बनाए बड़े बड़े व्हाइट येलो येलो ये, ये मतलब लाइट uh, कलर के रिंग्स बड़ा सा फिर उसके बाद विंटर में बनाए एकदम डाक डार्क डाक डाक ठीक पूरे साल में वेरिड एक एक्सप्रेशन है का कौन बनाता है भाई वेसल्स कौन बनाता है अपनी एक्टिविटी चेंज कर रहा है सो केम्बियम पे एनवायरमेंट का इफेक्ट आएगा ये कैसे बने मेरे पास ये दोनों के दोनों इनकी इफेक्ट कैसे आया बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ केम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट ठीक पूरे साल में एक लाइट रिंग बनता है एक डार्क रिंग बनता है इसको साथ में हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स इन वन ईयर आई विल हैव अ डार्क रिंग रिप्रेजेंटिंग ऑटम सीजन एंड अ लाइट रिंग रिप्रेजेंटिंग स्प्रिंग और समर ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ केम्बियम एक्टिविटी चेंज कर जा रहा है केम्बियम अपनी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कैसे सेल चाहिए वैसा बताओ वैसे बना दूंगा ठीक है दीज आर टूगेदर नोन एज एनुअल रिंग्स इसीलिए हम जब पेड़ को कट करें और उसमें ये लाइन है जो आपको दिखती है इसमें से आप या तो डार्क को काउंट कर लो या लाइट को काउंट कर लो वो आपको लगभग प्लांट की एज बता देगा लगभग क्यों बोला मैंने बिकॉज क्यूँ की स्टार्टिंग में चार पांच साल तक शायद वुड बनना शुरू भी नहीं हुआ जब प्लांट अपनी प्राइमरी ग्रोथ शो कर रहा था प्राइमरी ग्रोथ शो करते टाइम ऑब्वियसली कोई वुड नहीं बन रहा था ना प्राइमरी ग्रोथ में तो हरबेशियस थे हम ठीक चार पांच छह साल बाद वुड बनना शुरू हुआ होगा नियर so अबाउट हमें एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि ये जो पेड़ मैंने काट दिया ये कितना पुराना था है ना ये पेड़ जो मैंने काट दिया यह कितना पुराना पेड़ था उसका आइडिया लग जाएगा नाउ दिस एनुअल रिंग्स इसके स्टडी कैन टेल यू एज ऑफ ट्री एंड स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री

हाँ अगर मान लो चार डार्क रिंग्स है तो चार साल हुए अगर आपको कोई बोलते चार डार्क है और चार लाइट है तो कितने साल का हुआ पेड़ आठ साल का नहीं चार ही साल का हुआ क्योंकि चार ऑटम गुजारे हैं उसने चार सर्दियां देखी तो चार सर्दियां देखी तो चार ही साल का तो हुआ छ महीने थोड़ी काउंट कर रहे हो यू हैव टेन डार्क रिंग्स एंड टेन लाइट रिंग्स दैट मीन्स हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज योर ट्री एट लीस्ट मोर देन टेन इयर्स Because एक, एक लाइट रिंग एक साल में बनेगा ऐसे नहीं कि डार्क एक बार बन गया एक बार। ठीक है क्लियर ख्या? यहाँ तक सो यू द एज ऑफ ट्री बाय लुकिंग एट द डार्क एंड लाइट रिंग्स और वो डार्क और लाइट रिंग्स कैसे बनेंगे बाय डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ केम्बेम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जैसा भी आपका सीजन होगा उसके हिसाब से इसके अलावा एक और टाइप बनता है वुड का एंड दैट इज वुड एंड हार्ट वुड ये बाहर वाला जो आपको लाइट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड है वुड एंड दिस मिडिल पोर्शन इज नोन एज वुड ठीक है वुड एंड हार्ट वुड नाउ लुक एट सैप वुड एंड हार्ट वुड का मतलब हार्टवुड बेटा दिल की तरह एकदम बिल्कुल सेंटर में पेड़ गए ठीक हार्टवुड इज नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग इसका मतलब यहां से पानी नहीं जा रहा पानी नहीं जा रहा तो ये ड्राई है गीला नहीं है सैप वुड इज अ कंडक्टिंग वुड अगर ध्यान दोगे तो यहाँ याद है आपको प्राइमरी जाइलम था बिल्कुल बीचों बीच प्राइमरी होगा केम इसका मतलब कॉर्नर कॉर्नर में है एकदम रीसेंट वाला बना हुआ सेकेंडरी जाइलम यहाँ है सबसे पुराना प्राइम जाइलम यहाँ पे है सबसे रीसेंट बना हुआ जाइलम इधर तो जो पुराना जाइलम है वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होता चला जाता है सबसे पहले जो पाइपें लगाई थी घर बनते टाइम उनमें कचरा भर गया अब उनका धीरे धीरे फंक्शन खत्म हो गया है दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं है तो कचरा भर जाएगा है ना कचरा क्या भर जाएगा यहाँ स्टोरेज में आ जाएगा ये स्टोरेज कैसे करने वाला है भाई ये मेरा बड़ा सा वेसल दिस इज द वेसल आई हैव ओके वेसल वेसल के साइड में आई हैव

और उसी के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस है वेसल इज ऑब्वियसली डेड कारण इज द लिविंग पार्ट अब इतने से पोर्शन में से यह पार्ट डिजॉल्व हुआ और घुस गया अंदर ये लो। न्यूक्लियस जाता है तो चला जाएगा नहीं जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा पूरा का पूरा अंदर एंट्री मार गया कौन प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को पुचुक करके फूल गया ये बलूनड स्ट्रक्चर दिस बलूनड स्ट्रक्चर इज नोन एज टाइलोसिस टाइलोसिस हेल्प्स इन स्टोरेज ये सारा का सारा कहानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ला दे दे टैनिन भी दे दे रेजिन भी दे दे गम भी, भी दे दे लेटेक्स भी दे दे रबर भी दे दे सर दे दे मेरे के बैठेगा कहां बैठ गया बीच में टाइलोसिस हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी मेटाबुलाइट्स सेकेंडरी मेटाबुलाइट्स ठीक है ये सेकेंडरी मेटाबुलाइट्स एक मिनट ना लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रबर टैनिन रेजिन गम इसकी वजह से इसको कीड़ा नहीं लगता बोला कौन खाएगा ये कड़वी कड़वी चीज मुझे नहीं चाहिए तो बिकॉज़ ऑफ दिस स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है ना एक तो ये पड़ गया काला दिस इज डार्क इन कलर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इट इज डार्क इट हैज हाई डेंसिटी एंड इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक और इन चीजों की वजह से इसका हाई इकोनॉमिक वैल्यू भी है इसमें शाइन आ जाएगी ये डार्क कलर का वुड होगा ये मस्त एकदम लस्टरस होगा सुंदर मतलब एकदम अच्छा क्वालिटी वुड जो है आपको बीच में मिल रहा है पेड़ तो काटोगे तुम ठीक है कीड़ा नहीं लग रहा इट इज रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल कंडीशन काफी हद तक ठीक है टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट नहीं है पानी नहीं रुकेगा ज्यादा इसके ऊपर शाइन आ जाएगा इसके अंदर डार्कर कलर का वुड है कंडक्टिंग नहीं है तो सूखा हुआ है ड्राई है हमारी तो पार्टी ही पार्टी है वही पर बेचारा जो पेड़ के लिए काम कर रहे हो जरा सा वुड है कॉर्नर वाला लुक एट दिस दिस इज इन द सेंटर हार्ट वुड इज इन द सेंटर सैप वुड पेरीफरल पेरीफरल एरियाल में आपका सैपवुड बेचारा कंडक्ट कर रहा है पानी सो इट इज सॉफ्ट गीला है वो ठीक है कंडक्शन चल रहा है उसके अंदर कंडक्टिंग वुड है इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनीथिंग नो स्टोरेज स्टोरेज के लिए इसके पास कोई टाइलोस नहीं है क्या कर लू। या कोई टाइलोसिस नहीं है ठीक है अंडर टाइलोसिस अंडर स्टोरेज अंडर स्ट्रक्चर कुछ फिफ्थ पॉइंट लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पैसा कोई नहीं देगा आपको गीली गीली लकड़ी का पैसा कौन देगा तुमको मेक सेंस इट डजेंट मेक सेंस टू गिव मनी फॉर गीला लकड़ी ठीक है इसलिए एक बच्चा मुझसे अभी पूछा कि अगर पेड़ का बीच वाला सेंटर का पोर्शन में निकाल दू मैम तो जिंदा रहेगा पेड़ बिल्कुल जिंदा रहेगा बिकॉज ये रीजन वैसे भी कुछ काम कर नहीं रहा था इट वॉज नॉट कंडक्टिंग इट इज जस्ट प्रेजेंट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो आप वुड के लिए एक पॉइंट और लिख सकते हो इट प्रोवाइड कितने पॉइंट हो गए भाई छे हो गए ऑलमोस्ट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ बस कुछ कंडक्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे समझे कल सुबह सात बजे कराऊंगी मैं क्वेश्चंस डीपीपी को चिपकाओ मत रद्दी इकट्ठी मत करो जिंदगी में बस डीपीपी सॉल्व तुम एक सवाल नहीं करते हो कल लेती हूँ टेस्ट सुबह सात बजे पता चल जाएगा लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने चार्ट बॉक्स में ऊपर लगा दिया है सुबह होगा तुम्हारा टेस्ट सात बजे कल देखते कितने लोग आते हैं जो पढ़ने वाले हैं लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी देर एंड परफॉर्म गुड हा हा ठीक है तो ये सारी चीजें हुई सैप वुड की ये सारी चीजें हुई हार्ट वुड की ठीक डार्क लिखा ये लाइट होगा कलर में डार्क है लाइट है इट विल हैव लेस डेंसिटी लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इट इज मोर पैथोजन अटैक मतलब थोड़ा ज्यादा कंपेरेटिवली वैसे तो दोनों डेड ही हैं क्योंकि जाइलम इज डेड तो ज्यादातर पैथोजन अटैक कम ही होगा दोनों के अंदर बट इसमें और कम होगा ठीक डायलोसिस का प्रेजेंस यहाँ नहीं है स्टोरेज वहां है यहाँ नहीं है नो स्टोरेज हो गया लिख दिया मैंने नो स्टोरेज दिस इज इट दिस इज फॉर सैप वुड एंड हार्ट वुड क्लियर क्लियर लास्ट पोर्शन छोटा सा एक पॉइंट और पोरस पोरस एंड नॉन वुड की अगर हम बात करते हैं तो हम वेसल के प्रेजेंस की बात करते हैं बेटा वेसल का प्रेजेंस अगर वेसल प्रेजेंट है तो पोरस वुड है अगर वेसल्स प्रेजेंट नहीं है तो नॉन पोरस वुड है अब वेसल्स प्रेजेंट कहा नहीं होंगे फाइटा तक तो वुड ही नहीं बन रहा था में वुड बनना शुरू हुआ जाइलम प्रॉपरली एक्यूमुलेट होने लगा टू फॉर्म अ थिक सॉलिड ट्रंक ठीक वेसल्स अगर नहीं है तो नॉन पोरस वुड में हमारा एग्जाम्पल आएगा ऑफ जिम्नोसपोम तो जिम्नोस्पम्स का जो वुड है उसको हम कहते हैं नॉन पोरस वुड वी डू नॉट हैव एनी बड़े-बड़े होल जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे आप उसमें ठीक है लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म का वुड देखोगे तो वेसल का प्रेजेंस दिखेगा अब इसमें आती है बात फिर से दो टाइप्स की वी हैव टू टाइप्स ऑफ पोरस वुड रिंग पोरस एंड डिफ्यूज्ड पोरस अगर आप डिफ्यूज पोरस की वुड को खोल के देखोगे ना एक लंबे सेक्शन में ट्रांसफर सेक्शन वगैरह में भी तो आपको दिखेगा कि ऐसे कहीं पर भी बड़े वेसल्स बन रहे हैं कभी भी कभी भी छोटे वेसल्स बन जा रहे हैं फैला हुआ सा वुड है काफी यू फाइंड स्मॉल स्मॉल वेसल्स कभी भी बने हुए बड़े बड़े वेसल्स कभी भी बने हुए लिटरली नो ट्रेंड यू विल फाइंड ठीक है बड़े वेसल्स छोटे वेसल्स पूरे में आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं दिस इज रैंडमली स्प्रेड आउट इससे एक चीज हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि अगर कभी भी किसी भी साइज का वेसल बनाया जा रहा है इसका मतलब एनवायरमेंट लगभग पूरा साल सेम ही है है ना? लगभग पूरा टाइम सेम ही एनवायरमेंट में मेरे पास टेम्परेचर का इफेक्ट है वैरी नहीं कर रहा ज्यादा क्योंकि कभी भी बड़ा वेसल बन रहा है कभी भी छोटा वेसल बन रहा है सो सच आर सीन इन ट्रॉपिक्स पूरा साल थ्रू आउट द सेम ही टेम्परेचर है इसलिए इन जगहों पे आपको रिंग्स भी नहीं मिलेंगे वो एनुअल रिंग्स ट्रॉपिकल रीजन और कोस्टल रीजन में नहीं मिलेगा आपको रिंग्स मिलेंगे जहां आपको प्रॉपरली यू कैन फाइंड बड़े बड़े वेसल्स का रिंग फिर छोटे 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 वेसल्स का प्रेजेंस फिर बड़े बड़े वेसल्स फिर छोटे छोटे वेसल्स फिर बड़े बड़े वेसल्स फिर छोटे छोटे वेसल्स दैट मीनस एनवायरमेंट में कोई ट्रेंड चल रहा है

ठीक है रिंग पोरसवुड सो दिस इज वेर वी एंड अनाटमी टाटर द चैप्टर आई विल सी यू टुमोरो सेवन ए एम इन द मॉर्निंग जितने भी बच्चे यहाँ पे कल सुबह सात बजे आ जाना क्लास में आई वॉन्ट टू सी हाउ मच डू यू फाइनली स्कोर ठीक है और जो बच्चे जेन्यनली पढ़ रहे थे साथ साथ प्लीज कम टू द प्रैक्टिस आई विल ऑल्सो शेयर इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे और मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिंक भेजा हुआ है ऊपर पिन किया हुआ है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ज्वाइन द सेशन ठीक है एडवांटेजेस ऑफ प्लस लाइव क्लास टेस्ट सीरीज है प्रॉपर अनलिमिटेड एक्सेस कोर्सेज उसके अलावा अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस प्लानिंग स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट एनालिसिस इन सब के लिए आप आइकॉनिक भी ले सकते हो अदरवाइज यू कैन गो फॉर प्लस इफ इट इज जस्ट द कॉन्टेंट दैट यू आर आफ्टर कॉमन लाइव कोड यूज करना है गेट योर टेन परसेंट ऑफ स्पेशल क्लास कल सुबह सात बजे ठीक है और प्लस पे कल से ट्वेंटी थर्ड से आई एम गोइंग टू स्टार्ट

फ्रॉम टमोरो और भी बहुत सारे बातचे स्टार्ट होते हुए ये ट्वेंटी थर्ड को आठ से बारह तक एक मेंटरशिप कैंप है यू कैन एनरोल फॉर इट एज वेल कॉमन लाइफ कोड है बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल डू इज मॉरफोलॉजी कॉम्बैट के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो अब आप आराम से दे सकते हो कॉम्बैट सेवन सिक्सटी मिनट्स का पेपर होता है अट्ठाइस क्वेश्चन होते हैं अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो एवरी संडे दिस एग्जाम इज देयर एवरी संडे इलेवन ए एम तो इसलिए संडे को सुबह ग्यारह बजे की क्लास मैं नहीं लगाती हूँ अगर क्लास लगानी भी होगी तो इवनिंग में होगी अदरवाइज वो भी नहीं होगी बिकॉज संडे आई वॉन्ट टू गिव वन डे एटलीस्ट जब आप अपने लिए पूरा रिविजन वगैरह सब कुछ कर सको ठीक है तो संडे फ्री फ्रॉम माई साइड एटलीस्ट प्रिपेयर रिवाइज थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब आकांक्षा मैम से मैंने थोड़ा टाइम मांग लिया था आकांक्षा मैम भी आ जाएंगे अभी पाँच मिनट के अंदर अंदर मेक श्योर दैट यू जॉइन हर क्लास इज वेल थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल पी डी एफ अपडेट हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड स्टे सेफ पाँच बजे प्लस वाले बच्चे आ जाना ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट कर रहे हैं आज सिलेबस तो टैंक